खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम मेरा नाम पास्टर एडिसन है और मेरा ताल्लुक बहार कलोनी से है मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा का जिसने ये मुझे, मुझे मौका बख्शा कि मैं किंग टीवी पर आकर उसके कलाम में मुकदस की आवाज़ को आप तक पहुंचा सकूं। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं सर जॉन पास्टर का और उसके बाद सिस्टर रेचल का जिनके जरिया से खुदावंद खुदा इस काम को सर अंजाम दे रहा है किंग टीवी वी की तमाम टीम को मेरी तरफ से सलाम हो हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं आज खुदावंद जिस अनवान पर हमसे बात करने को है वो है चुरवाहा चुरवाहे के लिए लफ्ज़ इंग्लिश में शैफ भी इस्तेमाल हुआ है और चौपान भी हमें उर्दू में मिलता है खुदावंद के जिंदा कलाम मुकदस में से आज हम जानेंगे कि खुदावंद हमसे क्या बात करने को है चुरवाहे के हवाला से पहले हम पुराने अहदनामा से देखेंगे के तेईस जबूर में खुदावंद चुरवाहे के हवाला से क्या फरमाते हैं आए मेरे साथ निकालें खुदावंद का जिंदा कलाम और उसका तेईसवा जबूर खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ तहरीर है खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है वो मेरी जान को बहाल करता है वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है बल्कि ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है तूने मेरे सर पर तेल मला है मेरा प्याला लबरेज़ होता है यकीन भलाई और रहमत उम्र बार मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा आमीन ये जबूर आलमगीर ज़बूर भी गिना जाता है और इसकी मकबूलियत इतनी ही आलमगीर है जितना हर ज़ुबान पर इस जबूर को हम देखते हैं हर छोटा बड़ा इस ज़बूर से वाकिफ है और इसे ज़ुबानी याद किए हुए है इसे अक्सर लोग खौफ के वक्त इस्तेमाल करते हैं उनके जेन में है कि इसे पढ़ने से हमारा डर हमारा खौफ दूर हो जाता है अज़ीज़ों आज हम इसमें से इसके अलावा भी सीखेंगे कि खुदावंद इस ज़बूर के वसीला से हमें क्या सिखाना चाहता है मसीह के आने से पहले दाऊद ने चुरवाहे के बारे में हमें इस जबूर में आगा किया और इसके बाद हम यसु मसी के अल्फाजों को ही मुक़दस यहुना की मार्फत लिखी गई अंजील के दसवें बाब के पहली आयत से लेकर पाँचवीं आयत तक भी देखते हैं कि वहाँ खुदावंद खुदा ने खुद को अच्छा चुरवाहा कहा और बताया कि जो कोई भेड़ खाना के दरवाज़ा से दाखिल नहीं होता वो अच्छा चुरवाहा नहीं वो चोरों की तरह दाखिल होता है वो चोर है उसे पहचाने लेकिन अच्छा चुरवाहा दरवाज़े से दाखिल होता है और दरबान उसे देखते ही दरवाज़ा खोल देता है और उसकी भीड़ें उसकी आवाज़ सुनती और पहचानती हैं वो अपने भीड़ों को नाम बा नाम जानता है और उन्हें बाहर ले जाता है उन्हें अच्छी खुराक और अच्छी चरागाहों में ले जाता है तो यहाँ पर हमें मिलता है कि खुदावन यसुम सी खुद को अच्छा चुरवाहा कहते हैं और दाऊद ये पहले से ही जानता था जबकि यस्सु अभी दुनिया में ना आए थे तो अजीज़ों चरवाहे की पहचान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो चरवाहे की पहचान कर लेता है जिसे पता चल जाता है कि सच्चा और हकीकी चुरवाहा चुपान कौन है तो उसकी ज़िंदगी में हम चंद बातें देखते हैं जो कि तेई जबूर में हैं सबसे हम पहले गौर करेंगे पहली तीन आयत पर क्योंकि हम इन्हें तीन हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे और गौर करेंगे पहले तीन हिस्सों में हमें पुरम सरत जिंदगी का आगाज़ मिलता है खुदावन मेरा चुपान है मुझे कमी न होगी वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है यहाँ में पुरम सरत ज़िंदगी का आगाज़ नज़र आता है इन आयत में दाऊद खुद को बड़ा मुतमैन और सुकून में पाता है और कहता है कि खुदावन मेरा चुपान है दर हकीकत उसकी ज़िंदगी का ये पुरमसरत आगाज़ इसलिए हुआ कि वो जान चुका था यसु के बारे में वो यस्सु की पहचान रखता था उसे पता था कि यस्ु आने वाला है और वो मौजूद है क्योंकि वो अज़ल से था है और रहेगा वो अपनी इस बात से बड़ा पुरसकून नज़र आता है और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ वो चुपान के साथ करता है चुरवाहे के साथ करता है और यही हकीक़त है कि जो चुरवाहे को जान जाता है वो पुरसकून हो जाता है उसकी ज़िंदगी बहुत ही इतमनान में गुज़रना शुरू हो जाती है उसकी ज़िंदगी से हसद बिब्बत गुस्सा जाता रहता है हर तरह की बुराई जाती रहती है और वो बड़े ही सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है आप भी इन आयत को अपनी ज़िंदगी में लें ग़ौर करें और अपनी पुरसकून ज़िंदगी का आगाज़ करें जब आप यसु को पहचान जाएंगे जब आप अपने ज़िंदगी उसे दे देंगे जब आप उसे चुपान मान लेंगे अपना चुरवाहा मान लेंगे जब आप उसके गला में दाखिल हो जाएंगे जब आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसकी आवाज़ के पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ जाते रहेंगे शरारतें अबलीस जो करता है वो नज़र नहीं आएंगी और आप में सुकून, इतमान खुशी नज़र आएगी ये ज़िंदगी का आगाज़ जैसे दाऊद जान गया था आप भी इसको जानने की कोशिश करें फिर हम अगली आयत में आते हैं जो चार से पाँच है चौथी और पांचवी आयत में हमें पुरम शरत मौत का भेद मिलता है अजीजों सोचने की बात है कि मौत भी पुरम सरत लेकिन ये वाकई ही हकीकत है बाइबल मुकद्दस में तहरीर है और लिखा है बल्कि ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसली है तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है देखें कि दाऊद की जिंदगी में कैसा सुकून है कि उसे मौत का डर भी अब नहीं है वो मौत में भी पूर्म रहने का इजहार करता है वो जानता है वो कहता है कि मौत के साया की वादी में से भी मेरा गुजर होगा तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। उसे वो ज़िंदगी मिल चुकी जिसका उसे यकीन है कि मैं मरूँगा नहीं बल्कि उसमें सो जाऊँगा अज़ीज़ो, इस यहाँ पर जो मौत की वादी का ज़िक्र है कहा जाता है कि जिन पहाड़ों में दाऊद नबी भेड़ों को चिराया करता था क्योंकि हम सब जानते हैं कि दाऊद चुरवाहा था वो जिन वादियों में अपनी भेड़ों को चारे के लिए ले जाता था वहाँ पर एक गार नमा बहुत बड़ा खौल था खला था और वहाँ के लोगों का कहना था कि इसमें जो जाता है वो सलामत वापस नहीं आता वो मौत की वादी में खो जाता है लेकिन दाऊद अपने चुरवाहे को अपने खुदावंद को अपने चुपान को बखूबी जानता है और ईमान के साथ एतमाद रखता है और उसको यकीन है इसलिए वो कहता है मुझे उस वादी में उस गार में भी जाने से डर नहीं है अगर मेरी भेड़ खो जाती है अगर कोई दरिंदा अगर कोई ख़तरनाक जानवर उसे मेरे गल्ला में से उठाकर उस मौत की वादी में ले जाएगा तो मैं उसका पीछा करूंगा, मैं उसे ढूंढूंगा, मैं उसकी खातिर उस मौत की वादी में भी घुस जाऊंगा, क्योंकि मुझे मौत का डर नहीं वो अपनी मौत में भी मसरत को ढूंढता है उसे वहाँ भी सुकून और इतमनान नज़र आता है क्योंकि वो हकीकत में अपने चुरवाहे को जानता है वो ख़ुद भी चुरवाहा था लेकिन उसे पता है वो इस राज को जानता है वो इस भेद को जानता है कि मौत के साया की वादियों में से निकालने वाला और चुपान सिर्फ़ एक है और वो यसु मसी है इसलिए वो मौत की वादी में भी अपने आप को ले जाने से नहीं डरता उसे खौफ नहीं वो घबराता नहीं क्योंकि वो इस भेद को जानता है कि चुरवाहे की आवाज़ मैं सुनते ही उसके पीछे हो लूँगा अज़ीज़ो, हम सिर्फ़ इसे अपने खौफ को दूर करने के लिए इस्तेमाल ना करें बल्कि दाऊद की तरह मुसरत रहने के लिए अमन रहने के लिए इसे अपनी जिंदगियों में ले लें अपनी रूहानियत में अपना लें अपनी सांसों में इसे समा जाने दें ताकि ये खुदा का ज़िंदा कलाम जो तेईस जबूर के वसीला से खुदावन ने दाऊद के ज़रिया हमसे किया हम उसमें और ज़्यादा मजबूत हों हम और ज़्यादा गहरे में जाकर खुदा के समंदर में से गोता लगाएं और कीमती मोती निकालते जाएं हम जितना कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे गौर करेंगे हमें उतने ही कीमती ख़ज़ाने मिलते जाएंगे तीसरी बात और तीसरे हिस्से में दाऊद कहते हैं यकीनन भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा यहाँ पर भी देखें वो कितना पुरसकून नज़र आता है वो कहता है यकीनन भलाई और अहमद जब मेरे साथ साथ है जब मेरा चुपान खुदावंद यसु मसीह मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं इस बात को वाजिया करता है कि उसे किसी खौफ़ की ज़रूरत नहीं वो हर तरह से खुदावा यसु मसीह की निगाहबानी में उसकी चिरागाह में उसके गल्ला में महफूज है यहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है तूने मेरे सर पर तेल मला है मेरा प्याला लबरेज़ होता है इसके बारे में कहा जाता है कि उस वक़्त एक ऐसा जरासीम एक ऐसा कीड़ा होता था जो भेड़ों के नथनों के जरिया से उनके सर में पहुंच जाता था और मौत वाक़ होती थी और चुरवाहों ने जड़ी बूटियों से एक ऐसा तेल तैयार करके उनके सर पर लगाया जिससे वो जरासीम उसके नथनों में दाखिल ना हो सकता था यहाँ पर दाऊद भी कहता है कि तूने अपना तेल मेरे सर पर लगाया है इसलिए मैं महफूज़ हूँ मुझे किसी मौत का डर नहीं और मैं हमेशा तुझ में सुकून और इतमनान पाते हुए तेरी बारगाहों में रहूँगा अजीजों आप भी इस कलाम में मुक़दस की जिंदा आवाज़ को सुनते हुए अपने दिलों में उतार लें और इस पर गौर करते हुए महज इसे खौफ दूर करने के लिए ना पढ़ें बल्कि इसमें पुरमसर ज़िंदगी मौत और हमेशा की ज़िंदगी को तलाश करें खुदावंद आपको और मुझे और सब सुनने वालों को इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से बरकत दे आमन